आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, इनके पास शहरी विकास आवास एवं सहकारिता विभाग का मंत्रालय है, आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में हमारे साथी, इनके पास पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि का, एनिमल हस्बेंड्री का महकमा है, भाई वीरेंद्र कंवर जी, चिंतपूर्णी के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई बलवीर जी, गगरेट के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राजेश जी, और यहां हमारे पार्टी के आपके ने यहां क्षेत्र से नेता, और जिनके पास उपाध्यक्ष का दायित्व है राज्य औद्योगिक विकास निगम का, श्री राम कुमार जी, हिमुडा के हमारे वाइस चेयरमैन पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री प्रवीण शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व में विधायक रहे, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री खुशीराम बाल नाटा जी, जिला परिषद की अध्यक्ष नीलम कुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राणा जी, युवा मोर्चा के हमारे रजत जी, यहां डिप्टी कमिश्नर ऊना श्री राघव जी, एसपी श्री अर्जित सेन जी, विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज गुरु नानक जी के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज लक्ष्मीबाई रानी जी का भी जन्मदिन है, इस पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज फिर से एक बार आपके बीच में आना हुआ है। ऊना जिला में और ऊना जिला के अंतर्गत जहां आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हरोली में आना हुआ है, और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जहां जिस स्थान पर हम यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, यहां बताया जा रहा है कि भाई गुरु नानक जी के पुत्र जिन्हें यहां पर तप किया है, और इस दृष्टि से भी इस धरती को बहुत पवित्र माना जाता है, पावन माना जाता है, और यहां पहुंचने के साथ साथ मैं देख रहा था हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं एक दीवार खड़ी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर के 80 शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टिकाएं लगी हुई हैं एक साथ, और इन सारी योजनाओं को अगर हम मिलाएं तो 110 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक समय पर एक जगह में किए गए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे बीच में वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी भी मौजूद हैं, आपके जिला के ही मंत्री वीरेंद्र कंवर जी हैं, समय की कमी के कारण हम और आप इनका संबोधन नहीं सुन पा रहे हैं। किसी और दिन आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र लगातार अपने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नए मुकाम को छूने जा रहा है। हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश को एक माना है, और हिमाचल प्रदेश को एक मान करके ये हिमाचल कुल मिलाकर के आगे बढ़े, चाहे कोई क्षेत्र अगर पहाड़ का है वो भी आगे बढ़े, चाहे हमारा मैदानी इलाके का इलाका कोई विधानसभा क्षेत्र है वो भी
ही आगे बढ़े। इसलिए पिछले कल मैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में था, बनीखेत, जहां से कांग्रेस की विधायिका है। और आज फिर से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, हरोली विधानसभा क्षेत्र से, यहां से भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। कल मैं वहां पर पहुंचा, जब मैं सभा में भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा था डलहौजी में, तो कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आजकल यहां पर नई बात चली हुई है। हमने कहा कि नई बात क्या चल रही है? तो बोलते नई बात ये चल रही है कि अब की बार चंबा से मुख्यमंत्री होगा, बोलते आगे, और वहां से डलहौजी से होगा। तो मैं बड़े संकोच में पड़ गया। मैंने कहा मैं तो कल हरोली में भी जा रहा हूं, वहां पर भी लोग ऐसे बोलते हैं कांग्रेस के नेता। फिर मेरे पार्टी के साथियों ने मुझे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 16 इनके जो है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन गए। सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, अभी एक साल बाकी है, इंतजार करो थोड़ा। अभी आजकल कुछ ताजगी आई है उनके चेहरे पर और उसकी वजह यह है कि श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए। और श्रद्धांजलि के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर वोट मांगने की परंपरा कांग्रेस की आज की नहीं है, वर्षों की है। और हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी खासियत है कि हम दिल के भोले होते हैं, जहां दया आती है उस दया के भाव के साथ कई बार हमारी भावनाएं बहते बहते उस दिशा में ले जाती है। और यह हाल ही के चुनाव में हुआ है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के अगर विकास की अगर बात कहूं, हर विधानसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां 300, 400, 500 करोड़ के विकास कार्य नहीं चले हुए हैं। हमने कांग्रेस की सत्ता की तरह, कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं किया, जहां भाजपा के विधायक है वहां सब कुछ रोक दो। हम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी आज मुझे लगता है कि कितनी बार आना हुआ हमारा, मैं कल 5 बार से 6 बार से ज्यादा हो गया होगा। विधायक हमारी पार्टी का है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं, ये क्षेत्र की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवान साथी राम कुमार जी को। चुनाव हारना जीतना चला रहता है, लेकिन उसके बावजूद जिस जनता ने हमारा साथ दिया उनके लिए काम करने का, उस जिम्मेवारी को समझने की कोशिश की। और हिमाचल प्रदेश में शिमला जब भी आना इनका होता है, हमेशा कोशिश करते हैं मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, गांव गांव की समस्या के समाधान करने के लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं। यही एक प्रतिनिधि होने की जो है खासियत होती है। और जिस तरह से आप लोगों ने इनको साथ दिया है, सहयोग किया, मुझे मालूम है कुछ दिनों के बाद फिर से वो हमारे साथ ही यहां आएंगे। कहीं भाषण दे रहे थे कि भी मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पता नहीं 16 कितने हेलीपैड बढ़ा दिए, बोलते। अरे आधे से ज्यादा तो मैंने 3-4 हेलीपैड तो उस वक्त बनाए थे जब तुम्हारी सरकार हुआ करती थी। मैंने कहा आओ तो सही, कम से कम उतरो तो सही जमीन पर। हां, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 5-6 हेलीपैड हैं, लेकिन जमीन को समतल करके बनाए गए हेलीपैड है। सिर्फ हेलीकॉप्टर उतरता है, बाकी तो बच्चे खेलते हैं वहां पर। यदि एक आधा हेलीपैड जो है वो ठीक तरह से बनाया गया, अन्यथा जितने भी हेलीपैड है वो तो सिर्फ 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 उतरने के लिए बनाए गए हैं,
लेकिन यहां मैं देख रहा हूं, यहां मैं आज इसी जगह हेलीपैड का शिलान्यास कर रहा हूं। शिलान्यास करने की औपचारिकता आज पूरी की, और इसलिए कर रहा हूं। भाई मुकेश जी, आपके दिल में मलाल नहीं रहना चाहते, आपको भी दे दिए हेलीपैड। अब आपकी किस्मत में हेलीकॉप्टर होगा या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। उस हेलीकॉप्टर पर सब चढ़ना चाहते हैं, और आज की हालत तो ऐसी है कि अगर उस हेलीकॉप्टर में सारे जितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं सारे चढ़ जाएंगे तो क्रैश हो जाएगा। और होने वाला यही है लगता मुझे आने वाला। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में मैंने वर्षों से उन पहाड़ों को चढ़ा है, उतरा है, चढ़ा है, और वो जाकर के हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें गुजर गया। और हम अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ में आपके क्षेत्र की भी विकास की चिंता हम ही कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में आप रहे, अगर आपने काम किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आज आपके क्षेत्र में भी इन चीजों को मूलभूत बातों के लिए यहां मांग आ रही है। खैर, उन बातों में जाना भी नहीं चाहूंगा, छोड़ देना चाहूंगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति में ये दौर आते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे। मैंने कल मैं अपने भाषण में कह रहा था, मैं डलहौजी में वहां पर जो किश्ती का मुकाबला हो रहा था, 200 मीटर का अंतिम ये था, कुछ किश्तियां बहुत आगे निकल गई थी, लेकिन वो पीछे बड़ी किश्तियां बाद में आगे निकल गई। और राजनीति में भी ऐसा ही होता है, कौन कहां पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये परिस्थिति अलग तरह की होती है। कुछ अपने कर्म में होती है, कर्तव्य में होती है, कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी होती है। इसे इन बातों को छोड़ देना चाहिए, भाग्य भी किसके क्या है। इन सारी चीजों का हम और आप जो है उनका जिक्र नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन आपके बीच में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो चीजें हम कर सकते थे वो हमने करने की कोशिशें की हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में मैं विभिन्न योजनाओं का जिक्र करेगा तो बहुत सारा लंबा समय लग जाएगा, उन बातों का मैं जिक्र करना छोड़ देता हूं जो पहले की है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है अगले महीने 27 दिसंबर को। बहुत बातें आपने कही होंगी, लेकिन उसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल की पॉलिटिक्स में, हिमाचल की राजनीति में भी मैं भी पिछले 3 दशकों से हूं, और 24 साल तो मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो गए। और हिमाचल प्रदेश में अगर राजनीतिक परिस्थितियों का हम जिक्र करें, उन बातों को मुझे लगता कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर गरीब आदमी के साथ खड़े होकर के काम करने का किसी सरकार ने मन किया तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां गरीब वहां हम खड़े हुए, उसके साथ देने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए, जहां बुजुर्गों को मदद करनी थी, जहां बुजुर्ग ऐसी भीड़ में आकर के धक्के खाते हुए अपनी पेंशन के लिए गुहार करता था, हमने कहा आने की जरूरत नहीं होगी। हमने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को एक साथ निर्णय किया कि 70 साल जिसकी उम्र हो गई उसको घर में पेंशन लगेगी, घर में पेंशन उसको जो है 1500 रुपए मिलेगी। कांग्रेस के जमाने में 750 मिलती थी और हमने कहा 750 नहीं 1500 रुपए पेंशन देंगे। और अब के बजट में हमने ये कह दिया और आगे बढ़कर के काम किया
जो माताएं हैं जो हमारे लिए ज्यादा मेहनत करती है, परिश्रम करती है, उनके लिए और मदद करने के रास्ते हमने ये निकाला कि भाई 70 साल नहीं, माताएं जितने भी हैं 65 वर्ष के ऊपर जो है वो पेंशन लेने की हकदार होंगी, उनको हम गरीब उनको सबको हमको पेंशन दे रही है। हर घर में रसोई में गैस का चूल्हा पहुंचाया 3,25,000, लेकिन फिर भी हमको बोलते हैं कांग्रेस के नेता की गिनती तो बताओ, 4 काम तो बताओ। मैं उन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि हमारे किए हुए काम उनको काम नहीं लगते। ये गरीब आदमी का इलाज हॉस्पिटल में फ्री हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, 2 लाख लोगों का, गरीब लोगों का इलाज करके हमने स्वस्थ करके उनको घर भेजा हिम केयर के माध्यम से, और 200 करोड़ 250 करोड़ से ज्यादा हमने उस पर खर्च कर दिया, लेकिन वो उसको योजना नहीं मानते, उसको काम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने गरीब की मदद की है। हमने गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा 3,25,000 पहुंचाए, इसको काम नहीं गिनते हैं, क्योंकि हमने गरीब आदमी जो खरीद नहीं सकता था गैस का चूल्हा, उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, और इसलिए वो काम नहीं मानते क्योंकि गरीब के घर में गया। हमने ऐसे लोगों को जो बिस्तर पर पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, लाचार पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं बीमारी के कारण, उनको हम 15,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डाल रहे हैं, उसको काम नहीं मानते हैं कि वो पैसा गरीब आदमी के लिए लग रहा है। 50 साल तक सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन गरीब आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा, उसका भी इलाज करना, उसकी भी मदद करनी चाहिए। 2 लाख से ज्यादा मैंने कहा कि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको हम ठीक करके घर भेजने में सफल हुए। 250 करोड़ से ज्यादा उस पर अपने खर्च कर दिया, लेकिन वो काम नहीं मानते उसको, क्योंकि वो गरीब आदमी के इलाज के लिए पैसा खर्च किया गया, और जो गरीब आदमी की मदद हुई उसको वो काम नहीं मानते। हमने उन बेटियों के लिए तय कर दिया जो बीपीएल परिवार में है, चाहे किसी भी जाति से है, किसी भी कैटेगरी की है, जब उस बेटी की शादी होगी, गरीब बेटी की शादी होगी, हम शगुन के रूप में उसके खाते में 31,000 रुपए शगुन के रूप में सरकार की ओर से डालेंगे, जिसको काम नहीं मानते क्योंकि ये गरीब की मदद की है। हमने कहा कि बहुत सारी योजना हमने शुरू की, हमने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो जाकर के अधिकारी मंत्री गांव में बैठ करके निर्णय करे, लोगों को घर बैठे समस्या का समाधान मिले, लेकिन उसको काम नहीं मानते क्योंकि वो गरीब आदमी के लिए, वहां पर गांव के रहने वाले आदमी के लिए हमने काम किया। हमने कहा काम मानते किस चीज को है, फिर हमारे साथ ही कहने लगे कि इनकी भाषा में काम उसको बोलते हैं जब 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए, उसको काम मानते हैं। बड़े बड़े घोटाले, सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले, लाखों के घोटाले जब होते हैं उसको काम मानते हैं। मैंने कहा ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये काम तो उन्हें ही मुबारक हो। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार का जो है वो 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन 8 वर्ष होने के बावजूद भी उंगली उठा करके कोई नहीं कह सकता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये बातें चौक चौराहे पर होती थी और उसमें भी प्रतिस्पर्धा होती थी, उसमें भी कंपटीशन होता था, घोटाले में भी कंपटीशन होता था। इसलिए उन बातों को लोग नहीं भूल पाए। आज देश में कांग्रेस ढूंढने को नहीं मिल पा रही है। जिस पार्टी ने यहां पर आजाद भारत के बाद जो है लंबे समय तक शासन किया, राज किया, आज पार्टी की हालत क्यों बन गई है, उसकी वजह है कि लोगों को लगा कि इस देश को ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। वो नरेंद्र भाई मोदी जी के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता है, ना दूसरी पार्टी में हो सकता है, ना दूसरा व्यक्ति हो सकता है, ना दूसरा नेता हो सकता है। इसलिए आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमको, हमारे लिए गर्व का विषय है
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया भर में जब सर्वेक्षण होता है तो सबसे लोकप्रिय दुनिया का नेता कौन है, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी जी नंबर एक पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं। परेशान है कांग्रेस के नेता, बेचारे वो तो सारा दिन भर बाहर जाते हैं तो लोगों को हर जगह जहां भी जाते हैं तो मोदी दिखते हैं, घर जाते हैं तो जाकर के टेलीविजन देखते हैं तो वहां पर भी मोदी दिखते हैं, चैनल बदल बदल करके देखो तो हर जगह वो दिखते हैं, और उनकी परेशानी यही है क्योंकि लंबे समय तक शासन करने के बाद जिस प्रकार से उम्मीदें लोगों को थी, देश की लोगों को थी, उन उम्मीदों को वो पूरा नहीं कर पाए। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि अगर राम जन्मभूमि की बात आती है, हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो अवसर हमारी आंखों के सामने हमारे जीवन में देखने को मिला। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखते हुए हमने नरेंद्र भाई मोदी जी को देखा। हम कहते थे धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, कहते थे, लेकिन होने की संभावना नहीं थी, लेकिन आज देखिए हमारी आंखों के सामने आपने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होते देखा, जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत मजबूत भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे आज जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में हमने ये 4 वर्ष का कार्यकाल जो हमारा पूरा होने जा रहा है दिसंबर के महीने में, उसमें 2 वर्ष तो आपको मालूम है कि कोरोना के उस दौर में भेंट चढ़ गए, बहुत कुछ करने की सोची, बहुत कुछ करने का हमने ठाना था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हमको बीच में जो है जिन पर पुनर्विचार करना पड़ा, क्योंकि कोरोना आने के बाद हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि आदमी की जिंदगी को बचाना है, काम आज नहीं तो कल हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए 2 साल तो महत्वपूर्ण इस बात के लिए रहे कि आदमी की जिंदगी को कैसे बचाया जाए। ऐसे दहशत के एक माहौल में हम सब लोग थे, खौफ के एक माहौल में थे कि मालूम नहीं कितने जिंदा रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, ये परिस्थिति हमारे सामने आ गई थी। और उसमें भी मैं देखा उतने बड़े संकट में, दुनिया का सबसे बड़ा संकट और उस बड़े संकट में भी कांग्रेस के नेता और कुछ नहीं करते रहे, राजनीति ही करते रहे, राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। आप कल्पना करिए, हमारे साथी, हमने पार्टी के साथियों को कहा कि मदद करिए लोगों की, जहां जिसको भूखे वहां पर परेशानी आ रही है, जिसको खाना दे सकते उसको खाना दीजिए, जिसको मास्क देना है मास्क दीजिए, जिसको जो मदद करनी है उस मदद को करने की कोशिश करिए। लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ ज्ञान बांटने के सिवाय कुछ नहीं करते रहे, सोशल मीडिया में फेसबुक में फोटो डाल करके अपना भाषण देते थे और ऐसे मार्गदर्शन करते थे, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से ये कोरोना का इलाज कर रहे हैं। विचित्र परिस्थिति थी हम, लेकिन मेरी पार्टी के साथी जाकर के यहां तक भी गए, जब परिवार में किसी के परिवार का कोविड का पेशेंट था, इस दुनिया से चला गया, परिवार के लोगों ने कहा कि हम अंतिम संस्कार करने की स्थिति में नहीं है, सरकार को कहा कि आप ही करो, मेरी पार्टी के साथियों ने आगे बढ़ करके जो है उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार को अंजाम दिया, उसका अंतिम संस्कार पूरी श्रद्धा और उसके साथ किया, जो हमारी संस्कृति है उसके साथ किया गया, एक नहीं अनेक जगह में। आज हमसे वो उन सारी बातों का प्रश्न पूछते हैं कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट थे, 2 थे, आज 32 हो गए हिमाचल प्रदेश में, कितने वेंटिलेटर थे, 30-32 थे, आज 900 वेंटिलेटर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे मित्रों को दिख नहीं रहा है कि काम हुआ है, किसे काम कहा जाए, मैं इस बात की उनकी परिभाषा से सहमत नहीं है, उनकी परिभाषा जो है वो उनको मुबारक है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज आपके बीच में लंबी बात नहीं हो पाएगी, आने वाले समय में आएंगे,
और आप सबके क्षेत्र के विकास के लिए जो चीजें करने की थी, सबसे पहले तो मैं आपको इन सारी योजनाएं जो आज हमने समर्पित की आपके इस क्षेत्र के लिए, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिनको शुरू किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहां कुछ बातों का जिक्र किया है राम कुमार जी ने, एक दो चीजों को छोड़ करके, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों का समाधान करने की दृष्टि से हम आगे मिलकर के बढ़ेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां जहां लोक निर्माण विभाग या जहां पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तीन चार चीजों का इन्होंने जिक्र किया है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गिरगड़ा साहब, रोटी राम का डेरा, उसके लिए कहा कि उसके लिए कोई लगभग 7 किलोमीटर एक सड़क बनेगी, रोटी राम का डेरा, सुबोना रंगी राम का डेरा, वो टाहली साहब को नई सड़क के लिए कहा गया है, इसको जोड़ने के लिए कहा गया है। और मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहूंगा कि इसके लिए पूरा जितना भी पैसे की जरूरत होगी उस पैसे का इंतजाम करेंगे, आप काम शुरू कर दें और इसको जल्दी से इसको पूरा करें। और दूसरी बात, एक बात कही कि अमराली बीटन सड़क से अमराली गौवा तक इस सड़क का निर्माण करने के लिए, सड़क तो बहुत छोटी है, 1 किलोमीटर के लगभग है, लगभग 1200 मीटर है, और इस सड़क का काम भी प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए, इसको पूरा किया जाए, ये भी मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कहता हूं। और उसके साथ साथ मैं मोहल्ला जुगड़ाना राजपुता पंडोगा से राष्ट्रीय उच्च मार्ग तक संपर्क मार्ग का निर्माण करना, ये लगभग 2.5 किलोमीटर के लगभग है, तो मेरा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इस बात के लिए भी आग्रह है कि इसका भी काम पूरा कर दिया जाए। और उसके बाद शैतूत बाग गांव खड हरिजन बस्ती से राष्ट्रीय उच्च मार्ग पंडोगा तक संपर्क मार्ग को बनाने की बात है, ये शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट के अंतर्गत बनाई जा सकती है, और इसके लिए जो पैसे की जरूरत होगी वो पैसे का इंतजाम करेंगे, डिप्टी कमिश्नर इसको इंश्योर करें कि इसका इसके लिए जो पैसे का प्रावधान हो जाए और उसके बाद इसका निर्माण कार्य को पूरा करें। और उसी तरह से पुरानी भदौड़ी सड़क सेंसोवाला से स्वान नदी के तक संपर्क मार्ग की बात कही गई है, और ये भी लगभग 1.25 किलोमीटर के लगभग है, इसको भी बना करके देंगे। और लोअर बडेरा संतोषी माता मंदिर में मंदिर से भाइया काबो भदौड़ी मार्ग तक तो है, उसको ये 1 किलोमीटर से भी कम है, और इसको भी हम बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक और बात कही गई है यहां पर, जो कि एक नई योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है, अटल आदर्श विद्यालय का, और यहां पर जमीन अगर उपलब्ध हो गई है, मुझे जो बताया गया, ये ऐसा विद्यालय नहीं है कि जिस तरह से बाकी विद्यालय होते हैं, इसकी व्यवस्था ही अलग है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक तरह के कॉलेज के प्रोजेक्ट से छोटा नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये, और उसके लिए हमने जो व्यवस्था की है, जो नियम निर्धारित की है, उन नियमों को पूरा करने की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारे पूरे कर दिए हैं, जमीन का इंतजाम कर दिया है, और इसमें अभी राम कुमार जी का कहना कि इसके बारे में आप विधिवत यहां पर घोषणा करें, तो मैं आपके यहां गांव ठाकरा में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि आप सबके लिए ये सुविधा मिल सके। और इसके अलावा यहां पालकुआ में एक सुपर स्पेशलिटी ESIC हॉस्पिटल की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है, इसको हम दिल्ली इस मामले को भेजेंगे और कोशिश करेंगे इसके लिए कि ये इसकी स्वीकृति जो है हम सब मिलकर के करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके इस क्षेत्र के लिए एक सुविधा और इस तरह से जोड़ सकें। और उसी तरह से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोली में साइंस की क्लासेस, साइंस ब्लॉक की बात कही गई है, तो मैं ये आपके बीच में ये घोषणा करता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोली में साइंस का ब्लॉक का निर्माण भी कर दिया जाएगा, इसका एस्टिमेशन, इसकी सारी औपचारिकताओं का दौर आप पूरा करें और उसके बाद हम इसको पूरा करेंगे। 3 स्कूल बताए गए हैं यहां पर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्ववार, जो यही है मेरे को लगता है यहां जहां हम हैं। और यहां पर कुछ कमरों की कमी बताई गई है, और यहां कमरों की जो कमी बताई है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जहां
पैसों की जरूरत बताई गई है तो 6-6 कमरे की बात कही गई है। मेरा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से इस बात के लिए आग्रह है कि आप इसका एस्टिमेशन बनाएं और एस्टिमेशन के साथ साथ में इन सबको जो है इन तीनों स्कूलों के लिए भवन का यहां पर निर्माण हो उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम बजट की एलोकेशन करेंगे ताकि आप सबको ये तीनों स्कूलों में भवन बनकर के जो है मिल सके, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट के में एक ही बात कही गई है कि एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर यहां पर जो है वो पुआवाल में है, यहां पर इसी गांव में इसी पंचायत में उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है और मुझे मालूम नहीं यहां पर इसकी जस्टिफिकेशन और इस सारी चीजों को लेकर के पूरा करता है क्या करता तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपके कहने पर आप बोल रहे हैं तो इसको अपग्रेड करके जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मिल सके। और एक इसके अलावा जो है वो एक मडेड़ा और टालीवाल में पशु डिस्पेंसरी खोलने की बात कही गई है और इन दोनों स्थानों पर पता नहीं मुझे मालूम नहीं है गुंजाइश बची है कि नहीं बची है, यहां इनके एनिमल हस्बेंड्री इनके पास है वीरेंद्र कंवर जी के पास, कर दें क्या? हाँ कर दें, अब ये वकालत कर रहे हैं इनकी बैठे बैठे कर रहे हैं। तो दोनों जगह वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की भी यहां पर मैं घोषणा करता हूं और मुझे मालूम नहीं कि पुरानी जो योजना हमारी चल रही थी उस योजना के अंतर्गत यहां पर है या नहीं है, जो हमारी एक हर पंचायत में वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की जो योजना चली हुई थी तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे इस तरह से, लेकिन ये इसको अगर नहीं है तो निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। आगे जो बात कही गई है दो पटवार सर्कल की गांव ललड़ी में और बीटन में, इन दोनों पटवार सर्कल में जो है वो नए पटवार सर्कल बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं और डिप्टी कमिश्नर महोदय जी से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो इसकी जो प्रपोजल कैसे कैसे बनाए जाएंगे कौन सा एरिया उसमें डालेंगे उसको सुनिश्चित कर लें ताकि इसकी प्रपोजल जल्दी आ जाए ताकि इसको हम पूरा कर सकें पटवार सर्कल ललड़ी और बीटन। और उसी तरह से आगे बढ़ करके एक यहां पर बताया गया कि ऊटपुर मनुबाला में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए और ये तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि आज आने वाले समय में इस बात की हमको जरूरत भी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल एरिया कहीं अगर हमको आगे करना है तो ऊना उसमें सबसे उपयुक्त स्थान पाया गया है जहां पर अभी तक हमारे पास गुंजाइश है और इसलिए मैं इस बात का भी मैं जिक्र कर रहा हूं जो हमारा बल्क ड्रग फार्मा का बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो जिसके लिए हम बहुत जिद्दोजहद के साथ लगे हैं जोर के साथ लगे हैं वो भी आपके इसी विधानसभा क्षेत्र में उसके लिए हमने जगह देख रखी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो निश्चित रूप से मिलेगा और उसके मिलने के बाद आपके इस विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, मैं इस बात को कह सकता हूं। रोजगार नौजवानों को मिलेगा और उसके साथ साथ में यहां हजारों करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट उसके माध्यम से आएगी और इस दृष्टि से मैं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में इस बात वो वर्क ड्रग फॉरम हमको यहां पर मिल जाए। रोली में बालू कौन लाया? बालू कौन लाया? ये बालू पता नहीं मैं नहीं समझा नहीं वो कैसे लाए थे। आज मैं कोई सोशल मीडिया में भी देख रहा था बालू का जिक्र हो रहा था, वो पता नहीं कहां से लाए होंगे, वो पकड़ के लाए। तो इसलिए इसके साथ में एक और चीज जो बात कही गई यहां स्थानीय गांव के तालाब का, इस गांव में शायद मतलब बहुत बड़ा तालाब एक है जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है और वहां पर उसके सौंदर्यीकरण के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी और इसके लिए मैं राम कुमार जी से यही कहूंगा कि आप प्रॉपर उसका एक एस्टिमेशन बना दें और प्रॉपर उसका इंजीनियर से थोड़ा डिस्कस करके क्या बनता है उसका किस तरह से क्या स्वरूप बनाना है उसका और उसके लिए जो भी मदद की जा सकती है वो करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अभी तो सारी कर दी हमने पढ़ करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, लेकिन कहते कि बीच में एक छूट गई है, एक बालीवाल में एक प्राथमिक गांव के नाम भी बालीवाल है यहां पर, तो बालीवाल में
वालीबाल जो गांव है वहां पर कहा गया है कि पीएससी खोलने की, वहां की दूसरी कितनी पीएससी दूर कितनी है वहां? रिमोट एरिया है, उन्हें में कहा है रिमोट एरिया में। तो आपने यहां कहा है तो उस पूरे सर्वेक्षण और इसके पश्चात जो है यहां पर भी पीएससी खोलने की मैं घोषणा करता हूं, पीएससी खोलेंगे। और उसके साथ साथ में मैं समझता हूं कि सारी बातें पूरी हो गई और आप सबके आप सबके काम जो है वो हमारे जिम्मे रहे, लेकिन एक काम आपके जिम्मे है उसको बताएंगे अगली बार जब आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।